This video is brought to you by Splice. है मजबूत रहे टूट। तेरा आना तो एक बहाना था, मेरे घर को जो सजाना था। Splice, ply board and doors, हम दरवाजे ही नहीं, रिश्ते भी मजबूत बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के चुनाव होने को हैं और सावरकर की तस्वीर को लेकर हंगामा हो रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की गैलरी में सावरकर की तस्वीर का लोकार्पण किया था। इसी तस्वीर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह ने गैलरी से सावरकर की तस्वीर हटाने के लिए परिषद के सभापति रमेश यादव को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस तस्वीर को आपत्तिजनक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान बताया है। दीपक ने कहा कि सावरकर की तस्वीर यहाँ से हटाकर बीजेपी के संसदीय कार्यालय के अंदर लगवा दी जाए। तस्वीर को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख अजय कुमार लल्लू ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पुणे में अंग्रेजी सरकार के वाइसरॉय से समझौता करने वाला, सेलुलर जेल से अंग्रेजी हुकूमत को माफीनामा लिखने वाला वीर कैसे हो सकता है? सावरकर अंग्रेजों की कौन सी ऐसी सेवा करते थे जिसके लिए उन्हें 60 रुपए महीने पेंशन मिलती थी? गांधी के देश में गोडसे की पूजा, माफी वीर सावरकर का महिमा मंडन भाजपा सरकार की आदत बन गई है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नवनिर्मित गैलरी में सावरकर की तस्वीर लगाना संघ भाजपा की राष्ट्र विरोधी सोच का प्रतीक है। सरकार तत्काल ऐसे राष्ट्र विरोधी की तस्वीर हटाए और देश से माफी मांगे। वहीं बीजेपी नेता सावरकर की तस्वीर को लगाए रखने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि यूपी विधान परिषद में वीर सावरकर की तस्वीर का विरोध कर रहे कांग्रेस ने कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर हटाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया। मामले को बढ़ता देखते हुए सभापति रमेश यादव ने सावरकर की तस्वीर को लेकर विधान परिषद के प्रमुख सचिव को तथ्यों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी आदित्य ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानी। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकी, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बर्गर, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।